नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करते हैं बापू की पुण्यतिथि पर। राजघाट जाएंगे पीएम मोदी, राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज किसान करेंगे उपवास। आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे किसान। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास की तैयारी। बापू की पुण्यतिथि पर आपको बता दें कि आज राजघाट जाएंगे पीएम मोदी। राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। गांधी जी की पुण्यतिथि पर किसान करेंगे उपवास और इसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास की तैयारी करेंगे किसान। बापू की पुण्यतिथि पर बता दें कि आज पीएम मोदी राजघाट जाएंगे और वहां पर उनको श्रद्धांजलि देंगे। आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में किसान मनाएंगे और आज ही के दिन किसान उपवास करेंगे। आज बापू की 73वीं पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर पीएम मोदी राजघाट जाएंगे और इस दौरान वे श्रद्धांजलि देंगे बापू को राजघाट पर। सिंघु बॉर्डर की हिंसा में 44 लोग गिरफ्तार। एसएचओ पर तलवार चलाने वाला रंजीत सिंह गिरफ्तार। सिंघु बॉर्डर पर हिंसा में 6 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। बता दें कि कल हुए हंगामे में सिंघु बॉर्डर की हिंसा पर 44 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एसएचओ पर तलवार चलाने वाले रंजीत सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंघु बॉर्डर हिंसा में करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ये घटना कल सिंघु बॉर्डर पर हुई थी। हिंसा बढ़ने पर 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सिंघु बॉर्डर पर हिंसा करने वालों में से 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसएचओ पर तलवार चलाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, कल सिंघू बॉर्डर पर जो हिंसा हुई उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने अब बेहद ही सख्त रुख अपनाया है हिंसा को लेकर के, जिस तरीके से उपद्रवी इस पूरे मामले को लेकर हिंसा कर रहे हैं, किसान बिलों को वापस करने के नाम पर जो हिंसा हो रही है उस पर अब सख्त रुख अपनाते हुए गृह मंत्रालय ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसी के तहत जो सिंघु बॉर्डर में अभी तक 44 लोगों की, 44 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें डाली जा रही हैं। लगातार पुलिस के अलग अलग टीमें बना करके जो है उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। उसकी कड़ी में 44 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें वो मुख्य आरोपी भी है जिसने एसएचओ पर तलवार चलाई थी। ब्रजेश, आगे प्रशासन क्या रणनीति तैयार कर रही है इसको लेकर कि सिंघु बॉर्डर पर जो कल हिंसा हुई उसको देखते हुए क्या सुरक्षा के कुछ कड़े इंतजाम और किए जा रहे हैं या जो गिरफ्तारी हो रही है उसके लिए कोई और रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बॉर्डर पर कैंप कर रहे हैं और इसके साथ ही कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग जो है बॉर्डर के करीब ना आ पाए, इसलिए इसको लेकर के पूरी तरीके से और बैरिकेड किया गया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि वहां पर लोकल बनाम फॉरवर्ड के बीच की जंग हो गई है और वो उसकी वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। अब फिलहाल पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात की कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरीके से स्थितियों को सामान्य बनाया जाए और कम से कम जो बाहर के आने वाले लोग हैं वो किसानों के बीच तक ना पहुंच पाए। तो ये फिलहाल अभी कोशिश जारी है। इसी के तहत जो है सिंधु बॉर्डर में फिलहाल सुरक्षा को और
कड़ा और मुस्तैद कर दिया गया है। लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां शांति बने रहे। ब्रजेश, इस जो घटना कल घटी है सिंघू बॉर्डर पर, उसमें 6 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर सामने आई है, तो क्या कोई और भी हताहत की खबर सामने आई है? नहीं, देखिए, इस पूरी हिंसा के दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिनको दूसरे अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। तो अब उन 6 पुलिस वालों का इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। इसके बाद इससे पहले भी जब तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सिंघू बॉर्डर में जो हिंसा हुई थी उसमें 44 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं एसएचओ पर तलवार चलाने वाले रंजीत सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर जब कल हिंसा हुई तो उस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जगह जगह वहां पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि लोग ज्यादा ना बढ़ सकें, क्योंकि कल जो हिंसा हुई उस दौरान 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि पुलिस की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है गिरफ्तारी की, 44 लोग इस दौरान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं तलवार चलाने वाला एसएचओ पर, जो कल तलवार चलाई गई थी, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ भी घायल हो गए थे, जिसने उन पर तलवार चलाया, जिसका नाम रंजीत था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से। दीपक, क्या हालात है सिंघू बॉर्डर के? जी, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो हालात है यहाँ पर वो सामान्य बने हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। अभी यहाँ पे जो है तमाम सुरक्षा जो एजेंसी है वो अपने जो है यहाँ पर रेडी हो रही है, और जहाँ जो उनको कमान संभालनी है वहाँ पे संभालनी है। किसान जो है फिलहाल शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से कल स्थानीय लोग आए थे और जो हंगामा करके गए, उसके बाद जो है आज कल वो बोल के भी गए थे कि आज कम से कम 40 गांव के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इन किसानों को यहाँ से हटाने की मांग करेंगे। तो देखने वाला होगा, दिन निकलते निकलते क्या हालात होने वाले हैं, क्या आज लोग आते हैं और किस तरह से आज क्या कल वाले हालात रहते हैं, या सामान्य तरीके से किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी। दीपक, आपने जैसे बताया कि 40 गांव के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो क्या ऐसी कोई सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं वहां पर प्रशासन की ओर से, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल जो हिंसा हुई है उसको देखते हुए तो वहां पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल जब जिस तरह से स्थानीय लोग यहाँ पर आए थे, उसके बाद जो यहाँ पर बवाल हुआ, जिसमें पथराव भी हुआ और सचो जो अलीपुर प्रदीप पालीवाल थे वो घायल हुए, उसके बाद जो है किसानों के जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, अब उनके सीमेंट के ब्लॉक लगा के जो है उस इलाके को पूरा कवर कर दिया गया है, ताकि कोई उधर से इधर ना आ सके और इधर से उधर ना जा सके। और तमाम जगहों पर और कड़ी बैरिकेडिंग, कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे उत्पात ना मचा सके। तो जो स्थानीय लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या उनके लिए भी कोई अलग से रणनीति बनाई गई थी? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर जो है सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन जब वहां पर लोग पहुंचे तो वहां पर ऐसे हालात बन गए कि वहां पर हिंसा बढ़ गई और इस तरीके की घटना वहां घट चुकी, जहां पर 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और एसएचओ पर तलवार तक चलाई गई। जी बिल्कुल, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हालांकि यहाँ पर थे, लेकिन कुछ लोग थे, क्योंकि सुरक्षा जो है किसानों के चारों तरफ बढ़ा दी गई, लेकिन इधर उधर से कुछ लोग जो है वो अंदर घुस गए, और अंदर घुसने के बाद जब पुलिस उनको रोकने के लिए उस साइड भागी, तो बाकी लोग भी जो है वो यहाँ पे अचानक से आ गए, और किसानों की तरफ से जब शुरुआत हुई, यहाँ से जब पत्थर फेंका गया, उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो भी भड़क गए और फिर दोनों आमने सामने हो गए, लेकिन पुलिस ने बाद बीच बचाव कराया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। तो क्या वहां पर दीपक अभी भी जो किसान हैं वो डटे हुए हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और वो वहां लगातार अपना धरना प्रदर्शन देते रहेंगे? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, नरेश टिकैत के सामने तरफ से भी बयान आए थे कि हाँ अब जो है ये जो आंदोलन है उसे खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वही राकेश टिकैत का कहना था कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, तो इसको लेकर वहां क्या हालात बन रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सिंघू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका भी यही कहना है कि हमारे और किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनको रोका जा रहा है पुलिस की तरफ से, लेकिन हमारे किसान कहीं ना कहीं से जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और हमारा आंदोलन जो है
और बढ़ेगा, ये यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है जब तक सरकार अपने कानूनों को वापस नहीं लेती। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कल जो यहाँ पर एसएचओ पर हमला हुआ था या जो पुलिस पर जो हमला हुआ था उसके बाद जिसने वो हमला किया था उसके साथ साथ करीब 40 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी दीपक, ये बताइए हमें वहां पर कि जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो है वहां किसान आंदोलन वहां लगातार कर रहे हैं, तो जो वहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, तो क्या वो उनको उनसे बचाव के लिए कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि किसान पीछे हटेंगे नहीं और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो 26 जनवरी को जो घटना घटी, झंडा का, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, उसको लेकर वे काफी उग्र नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है वहां पर तो उसके बाद क्या किया जाएगा वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बढ़ा दूं, कल जिस तरह से हालात यहाँ पर बने थे उसके बाद जो है तमाम सुरक्षा यहाँ पे बढ़ा दी गई है और जो पैरामिलिट्री फोर्स है या उसके अलावा जो आरएफ की फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है, उनकी जो है सुरक्षा यहाँ पे बढ़ा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि किसानों को इस बार कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इसमें बड़ी अजीब और गरीब बात यह होती है कि पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है किसानों की सुरक्षा में लगी हुई है, लेकिन ये वही किसान उन्हीं जवानों पर हमला करके उनको लगातार घायल कर रहे हैं, जैसा कि 26 जनवरी को हुआ जो कि जी जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी सिंघू बॉर्डर पर हिंसा का, कल 44 लोग गिरफ्तार किए गए थे सिंघू बॉर्डर पर, किसान लगातार डटे हुए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर पंचायत में हुआ फैसला, पश्चिमी यूपी से दिल्ली आएंगे किसान, राकेश टिकैत के आंसू के बाद हुई ये महापंचायत। महापंचायत में सियासी दलों के नेता भी हुए शामिल। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत में हुआ है ये फैसला कि अब किसान जो है पश्चिमी यूपी से दिल्ली आएंगे। राकेश टिकैत के आंसू बहाने के बाद ये महापंचायत हुई थी जिसमें कई नेता भी शामिल हुए थे। अब सियासी दलों के नेता भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत के आंसू बहाने के बाद महापंचायत हुई, महापंचायत में कई नेता भी शामिल हुए। वहीं अब इस महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि पश्चिमी यूपी से अब किसान दिल्ली आएंगे। मुजफ्फरनगर में महापंचायत में यह फैसला किया गया कि जो किसान हैं वो अब पश्चिमी यूपी से दिल्ली आएंगे। अब सियासी दल के नेता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि यह महापंचायत जो है राकेश टिकैत के आंसू बहाने के बाद हुई है। किसान लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है। अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द किया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद रद्द किया दौरा। इजराइल दूतावास के पास हुआ था ब्लास्ट। कल अमित शाह का था बंगाल में दौरा। आपको बता दें कि इजरायली दूतावास के पास कल ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है। अब अमित शाह अपना बंगाल दौरा करने नहीं जाएंगे। दिल्ली में हुए धमाके के बाद यह दौरा रद्द किया है। ये धमाका इजरायली दूतावास के पास हुआ है। कल अमित शाह का था बंगाल का दौरा।
तो बता दें कि इजरायली दूतावास के पास ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 से 4 कार क्षतिग्रस्त हुई थी। हालांकि स्पेशल टीम, दिल्ली की स्पेशल टीम वहां पर पहुंचकर उसका ब्यौरा कर रही थी, जांच में जुट गई है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। कल अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाने वाले थे, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया है। अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है। अमित शाह का बंगाल का दौरा था जो कि रद्द हो गया है। इस वक्त ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, कल जो इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद ही संवेदनशील मसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई सिक्योरिटी जोन में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, भले वो ब्लास्ट माइनर रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। इंटरनल सुरक्षा को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है, और भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हुआ है जहां पर जो है तमाम दूसरे देशों की एम्बेसी है, और उस एम्बेसी के पूरे एरिया में चाणक्यापुरी के आसपास का जितना भी एरिया है, पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। यहाँ पर लगातार इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को जो है मुस्तैद रखा जाता है, और बावजूद इसके अगर यहाँ पर इस तरीके से ब्लास्ट होता है तो ये सुरक्षा को खुलेआम चुनौती है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सवाल है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द हो गया है। उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर आज एक बैठक भी बुलाई है, और उस बैठक के बाद इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा, सिक्योरिटी को और चुस्त दुरुस्त मजबूत बनाने की कवायद की जाएगी। जी ब्रजेश, क्योंकि जो कल धमाका हुआ वहां पर 2 ही किलोमीटर में, ये सूत्रों के मुताबिक खबर थी कि 2 ही किलोमीटर के दूरी पर जो है बीटिंग द रिट्रीट प्रोग्राम चल रहा था, उस दौरान ये घटना घटी। तो इस पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो क्या ये जो बैठक होगी उसमें अहम बातें हो सकती है, अहम मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो पूरा लुटियंस का इलाका है वो दरअसल हाई सिक्योरिटी जोन है, हाई प्रोफाइल जोन है। वहां से चंद कदम दूरी पर 7 लोक कल्याण मार्ग है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री का आवास है। उसी से कुछ चंद कदम दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, उसी से कुछ दूरी पर संसद भवन है। आसपास का जो पूरा एरिया है वो हाई सिक्योर्ड जोन है, वहीं पर कैंट एरिया है। तो सब मिलाकर के अगर बात किया जाए तो बेहद ही ये हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, और वहां पर अगर विस्फोटक पहुंच जाता है, और वहां पर अगर विस्फोटक कोई विस्फोट करने में कामयाब हो जाता है, तो ये बात मानिए कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध है, कहीं ना कहीं एक लैप्स है, और उस लैप्स को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि दुनिया भर की नजरें इस पूरे मामले में थी जो है, क्योंकि दुनिया भर की एम्बेसी वह उसी इलाके में है, और इजरायली दूतावास के अगर बेहद करीब अगर ये धमाका होता है तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करने वाला है, तो कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है किस तरीके से यहाँ की सुरक्षा करेंगी। इसी रिव्यू के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दौरा बंगाल रद्द किया है, और वो अब गृह मंत्रालय के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं, और नए सिरे से अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो जो ये बैठक होगी तो उसमें किस तरह की मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि अभी जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जगह जो जहां मंदिर वगैरह हैं उनमें भी सुरक्षा के इंतज़ाम अब कड़े कर दिए गए हैं, हर जगह चेकिंग चलाई जा रही है, तो उसको लेकर भी क्या वहाँ पर कुछ बातें ऐसी उठ सकती है? देखिए, और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और मुस्तैद करने की जरूरत है, इसको लेकर के बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आईबी के, गृह मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो जितनी भी एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और उसके बाद सुनिश्चित करेंगे कि लुटियंस की सुरक्षा और कैसे ज्यादा मजबूत की जाए। जी जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
और समय उछला है छोटे से ब्रेक, खबरों का रुख करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, किसानों से जुड़े मामले पर सीएम योगी ने लिया फीडबैक। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखने के निर्देश दिए, भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर निगरानी के दिए निर्देश। यूपी बॉर्डर वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी, अपर मुख्य सचिव सीएम रहे मौजूद, अपर मुख्य सचिव सूचना समेत आला अफसर भी रहे मौजूद। को बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है, किसानों से जुड़े मामले पर सीएम योगी ने फीडबैक लिया है। बैठक के दौरान सीएम योगी ने फीडबैक लिया है, सीएम ने सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए कहा है। इस बैठक में सीएम ने ये निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जाए। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एसके, सीएम ने जो बैठक ली है उसके निर्देश जो दिए हैं उसके बारे में जरा हमें बताइए। बिल्कुल, कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल देर आप जिस व्यक्ति सीएम ने बैठक की है सुरक्षा को लेकर, वहीं भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर निगरानी के आदेश दिए हैं सीएम ने, साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखने की भी निर्देश दिए हैं। यूपी बॉर्डर वाले जिलों पर विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। इस बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी, अपर मुख्य सचिव सीएम रहे मौजूद, वहीं अपर मुख्य सचिव सूचना समेत आला अफसर भी मौजूद थे। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का दौर आगे भी जारी रहेगा।